हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने दो वीडियो अपलोड कर दी हैं, उसमें आपने बहुत प्यार दिया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आज हम इंटर लेवल की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चैप्टर, जिसका पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएँ हैं जो बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं और बहुत ज़्यादा क्या हैं इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके बारे में कुछ बातें करेंगे। लेकिन उससे थोड़ा सा हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एल्केन के बारे में, जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, ये होता है। अगर इसे हम खुली श्रृंखला में लिखें CHHHH, क्योंकि कार्बन जो होता है उसकी संयोजकता 4 होती है, तो ये 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बंधा हुआ होता है। अगर हम क्या करें, अब ये क्या है, एल्केन है और इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, तो ये एल्केन हेलो। हेलो क्या होता है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन में हमारी जो आती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन आती हैं। लेकिन इसमें हम एस्टिटीन का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एस्टिटीन जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व होता है और उससे अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें बाहर की ओर निकल जाती हैं। इस कारण हम एस्टिटीन के यूज नहीं करते हैं। अगर तो हेलो एल्केन किस प्रकार बनेगा, ये जरा देखें। अगर एल्केन का एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाए और उसकी जगह फ्लोरीन लग जाए, क्लोरीन लग जाए या ब्रोमीन लग जाए, तो ये यहां से रिमूव होगा और यहां पर आकर क्लोरीन क्या होगा, जुड़े आएगा। तो किस प्रकार होगा, ये एच और ये हो गया हमारा सी। एच हमारे पास कितने हैं, 3, CH3Cl, जिसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। और इसका नाम वैसे बोलेंगे तो क्लोरोमेथेन। ये होता है हमारा हेलो एल्केन। अगर दो हाइड्रोजन को हटा दिए जाएं तो यहाँ पर 2 Cl लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन को हटा दिए जाएं तो यहाँ पर 3 Cl क्या होते हैं, लग जाते हैं। अब समझते हैं हेलो एरीन क्या होती है। जैसे हमारे पास वेंजीन है, वेंजीन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, C6H6। इसके प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब अगर इसका एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाए और एक हेलोजन परिवार तत्व आकर यहां पर लग जाए, तो ये बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन हट गया, यहां पर क्या लग गया, Cl और बाकी H। इसका फॉर्मूला हो जाता है, कार्बन तो 6 के 6 हैं तो C6, एच कितने हो गए, एक एच चला गया तो एच रह गए 5 और इससे आकर के लगे Cl। इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। और यही जो होती है हेलो एरीन, और इसे बोलते हैं हेलो एल्केन या हेलो एल्केन। अब कुछ बेसिक चीज है, जैसे CH3 या C2H5, इनके लिए हम R सु करते हैं और एरिल ग्रुप को, ये एल्केन ग्रुप होता है R से लिखते हैं, एरिल जो ग्रुप होता है उसके लिए C6H5 AR से लिखते हैं। एरिल ग्रुप होता है
ये एल्किन ग्रुप होता है। आर की जगह या तो हम सी एस थ्री लगाते हैं या आर की जगह सी टू एच फाइव लगाते हैं और ए आर की जगह सी सिक्स एच फाइव लगाते हैं। तो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं जो हमने यहाँ पर समझी थी, अब समझते हैं इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं जो बार बार आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब देखते हैं हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की निर्माण की विधि, और ये कुछ विधि इम्पोर्टेंट हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली रिएक्शन है एल्कोहल के द्वारा आरएक्स का हमें निर्माण करना है, तो इसके लिए थोड़ी सी बातें समझते हैं। जैसे एल्कोहल आरएक्स क्या होता है, पहले आरएक्स के बारे में समझें। आरएक्स मैंने अभी जस्ट बताया कि आर का मतलब या तो हम आर की जगह सी एस थ्री लगाएं या हम आर की जगह सी टू एच फाइव लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। आर एक्स, एक्स क्या होता है, हेलोजन, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो जरा देखें एल्कोहल के द्वारा आर एक्स का निर्माण करते हैं। तो एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, जिसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं आर ओ एच, एल्कोहल। अब एल्कोहल के द्वारा हम आर एक्स का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके लिए आर एक्स के निर्माण की बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें लेते हैं हम सांद्र, सांद्र का मतलब कंसंट्रेटेड एच सी एल लेते हैं, और निर्जल Zn Cl2 लेते हैं। निर्जल, इसमें कोई जल नहीं होता है। होता क्या है, ये ZnCl2 जो होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये अभिक्रिया को क्या कराता है, संपन्न कराता है। ZnCl2 जो होता है वो HCl को क्या करता है, भड़काता है अभिक्रिया करने के लिए। तो ये अभिक्रिया होती किस प्रकार है, आइए जरा देखते हैं। ROH हम इसके लिए इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये जो है HCl है, HCl, H और Cl। तो देख रहे हैं कोई भी बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। हम इसमें देखते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनमें जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है वो क्लोरीन है, क्योंकि क्लोरीन की भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन की भारी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इस कारण ये क्लोरीन जो होता है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और क्लोरीन पर जब आप पूरी तरह से लेता नहीं है ये, क्योंकि ये सह संयोजक बंद है, तो क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्सली निगेटिव, और इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही इधर भी ऐसे ही होता है आर ओ एच, तो यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रिक होता है, और ओ एच पर नेगेटिव, पार्सली नेगेटिव चार्ज आता है, और इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, और हमारा आर सी एल, आर सी एल, और प्लस प्लस जो वाटर है, पानी की मात्रा बन जाती है H2O। ये होती है हमारी अभिक्रिया। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये मिश्रण आता है पेपर में, कि सांद्र HCl तथा ZnCl2 के मिश्रण को क्या कहते हैं, या वो क्या देते हैं पेपर के अंदर एक नंबर में, कि ल्यूकास अभिकर्मक किसका मिश्रण होता है। तो ये जो होता है ल्यूकास अभिकर्मक, अभिकर्मक दो तीन बार परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, ये जो मिश्रण होता है वो होता है आपका सांद्र, मतलब कंसंट्रेटेड HCl और प्लस ZnCl2 का मिश्रण होता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ल्यूकास अभिकर्मक, सांद्र HCl और ZnCl2 का मिश्रण होता है, होता है। अच्छा, हम एल्कोहल के बारे में समझते हैं। अगर किसी का एल्कोहल, एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन के लिए क्या कहते हैं, उस एल्कोहल के लिए क्या कहते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल। और अगर OH का जो कार्बन है अन्य किसी
दो कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसे 2° अल्कोहल कहते हैं। अगर OH का जो कार्बन है अन्य किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसे 1° अल्कोहल कहते हैं। देखिए OH का जो कार्बन है किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा है 1° अल्कोहल, OH का जो कार्बन है दो कार्बन के साथ जुड़ा है 2° अल्कोहल, OH का जो कार्बन है अन्य तीन कार्बन के साथ जुड़ा है 3° अल्कोहल। पेपर के अंदर इनका स्थायित्व आ जाता है कि इनका स्थायित्व क्या होता है, स्थायित्व आता है कि कौन ज्यादा सक्रिय होता है, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। जरा देखें अब सी और OH के बीच ये बॉन्ड है, ओ की विद्युत धनता कार्बन से ज्यादा होती है तो एक ओ क्या करता है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लाता है तो ऊपर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसी प्रकार इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, इस प्रकार से इस पर निगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। CH3 क्या करता है, CH3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दान करता है सी के लिए। CH3 मतलब कह सकते हैं माइनस का आई प्रभाव दर्शाता है, माइनस का प्रभाव होते हैं माइनस आई इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट होता है। ये जो मतलब डिटेल में पढ़ने की चीज़ है जो मैंने पढ़ा रखी है बच्चों के लिए, लेकिन अब तो पेपर हमारे नज़दीक हैं और हमें केवल इन तैयारी करनी है, केवल इन्हीं पे फोकस करना है सही करके। तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को देंगे, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाता है नेगेटिव और ये कैसा है पॉजिटिव, तो इसके प्लस के चार्ज को लगभग लगभग कितनी बार कम कर रहे हैं, ये 3 बार कम कर रहे हैं। और यहाँ देखें ये CH3 यहाँ पर कितने सी ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे 2, तो इसके जो प्लस के चार्ज है इसको केवल ये जो प्लस का चार्ज है केवल 2 बार कम हो रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है केवल 1 बार इसके प्लस के चार्ज को कम कर रहा है। तो जो ज़्यादा प्लस के चार्ज को कम करता है उसका स्थायित्व क्या होता है उतना ही ज़्यादा होता है, तो हमारा 3° अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्थायित्व रखेगा, उसके बाद 2° अल्कोहल, उसके बाद 1° अल्कोहल रखता है। अब पेपर के अंदर ये आता है कि आप किस प्रकार से ये डिसाइड करोगे कि किस प्रकार से पहचानोगे कि 1° अल्कोहल कौन सा है, 2° अल्कोहल कौन सा है या 3° अल्कोहल कौन सा है। तो इसके लिए होता क्या है, देखिए ये 3° जो अल्कोहल होता है जैसे हम क्या करते हैं इसकी अभिक्रिया कंसेंट्रेटेड सांद्र HCl और निर्जल ZN Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं। अब आप देखिए ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है इसको, तो इसके प्लस के चार्ज को 3 बार कम कर रहा है, इसका मतलब ये इसका स्थायित्व ज्यादा है। ये एकदम तुरंत ही क्या करता है अभिक्रिया को संपन्न कर देता है, तुरंत ही कैसा सफेद अवक्षेप आता है। लेकिन अब 2° अल्कोहल है, मैंने बताया कि OH उस कार्बन से जुड़ा है जो अन्य किसी यदि दो कार्बन से जुड़ा है तो वो कहलाता है आपका 2° अल्कोहल, और प्लस फिर इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम ल्यूकास अभिकर्मक से, ZnCl2 और HCl का क्या होता है मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक। अगर इससे हम अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया तो कर लेता है, लेकिन इसके लिए जो अभिक्रिया करने में लगभग 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है, क्योंकि इसका स्थायित्व जो होता है वो 3° अल्कोहल से कम होता है, ये 2° अल्कोहल है। अगर 1° अल्कोहल की बात करें तो 1° जो अल्कोहल होता है मैंने अभी बताया कि OH का कार्बन यदि अन्य कार्बन से जुड़ा है तो वो कहलाता है आपका 1° अल्कोहल। ये क्या कार्य करता है 1° अल्कोहल, अल्कोहल ये अगर हम ल्यूकास अभिकर्मक, अब ल्यूकास अभिकर्मक हम समझ गए हैं कंसेंट्रेटेड HCl तथा निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक, इसका स्थायित्व क्या होता है बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि इसके प्लस के चार्ज को ये 1 बार कम करता है तो OH जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है और ये अभिक्रिया नहीं हो पाती है, संपन्न नहीं हो पाती है। तो हम देखेंगे हम विभेद किस प्रकार करेंगे, क्या 1° अल्कोहल, 2° अल्कोहल, 3° अल्कोहल,
किस प्रकार से मतलब हम पहचानेंगे, तो जो जो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ जो अल्कोहल तुरंत अभिक्रिया कर लेता है तो वो 3 डिग्री अल्कोहल, और जो 5 या 10 मिनट में ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो उसे कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और जो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है उसे कहते हैं हम 1 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से हम विभेद कर सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो इसके द्वारा पेपर के अंदर कई बार आया है कि ल्यूकास अभिकर्मक से आप 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को किस प्रकार पहचानोगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के अंदर, पहचानने को आता है, अल्कोहल का स्थायित्व भी आता है, और यह आता है कि ल्यूकास जो अभिकर्मक होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो सांद्र HCl तथा ZnCl2 का मिश्रण होता है। इसकी जो उपयोगिता होती है ZnCl2 की, केवल ये अभिक्रिया को क्या कराता है, संपन्न कराता है। मैंने इसकी क्रियाविधि सब कुछ समझाया है, लेकिन अब हमारा पेपर का टाइम है तो हमें केवल फोकस ये करना है कि किस प्रकार से हमारे ज्यादा से ज्यादा नंबर पेपर में आ सकें। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड से RX का निर्माण। इससे पहले आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए हम दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं जो कि अल्कोहल और इसे SOCl2 जो होता है वो कहलाता है आपका थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्लोराइड से हम देखेंगे कि RX का निर्माण किस प्रकार से होता है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है। देखते हैं किस प्रकार है। पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि अल्कोहल ROH, और मैंने बताया OH अल्कोहल होता है, और R क्या होता है, या तो CH3 रखें, या तो C2H5 रखें, या CH3CH2 और CH3 रखें, कुछ भी रखें, इसकी जगह R की जगह प्लस SOCl2, और इसमें जो होती है क्रिएटिन की क्या होती है, उपस्थिति होती है, प्रीडिन की उपस्थिति होती है, ये प्रीडिन होती है, प्रीडिन, और इस अभिक्रिया से RCl और प्लस SO2 और प्लस HCl बनता है। जरा देखें ये अभिक्रिया होती कैसे है। तो हमारे पास ROH है, हमारे पास थायोनिल क्लोराइड है, जिसे क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। इसके लिए हम लिख सकते हैं SCl और O, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये RCl अलग हो जाता है, HCl अलग हो जाता है, और SO2 बनता है। देखें RCl S, O कितने हैं, 2 हैं, SO2 और HCl। इस सभी क्रिया को जो नाम है वो है डार्जन अभिक्रिया, डार्जन, या बहुत सी दफा डार्जन बोल देते हैं, डार्जन अभिक्रिया। तो पेपर के अंदर होता क्या है, पेपर के अंदर ये आता है कि डार्जन जो अभिक्रिया है उससे अल्कोहल से RX का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है कि अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड होता है, और इसमें जो उपस्थिति होती है प्रीडिन की होती है। एक बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन किया गया कि डार्जन अभिक्रिया में जो उपस्थिति होती है वो किसकी होती है, तो आपको याद रखना है प्रीडिन की उपस्थिति होती है, और इसमें RX का निर्माण होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, और HCl गैस का निर्माण होता है। अब पेपर के अंदर एक बार ये क्वेश्चन किया गया कि डार्जन जो अभिक्रिया है वो इसकी उपयोगिता सबसे अधिक क्यों है। तो डार्जन अभिक्रिया की उपयोगिता सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि इसमें RX का निर्माण तो होता ही है, साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस होने के कारण क्या होती है, ये भी उड़ जाती है, HCl गैस होने के कारण उड़ जाती है, तो हमारी बाद में ये शुद्ध रूप से RX बचती है। RX का होता है ये प्योर होती है, शुद्ध होती है,
क्योंकि SO2 गैस होने के कारण ऊपर उड़ जाती है, HCl गैस होने के कारण ऊपर उड़ जाती है, तो हमारा जो मिश्रण जो बचता है केवल किसका बचता है, RX का, और AC का क्या कर रहे हैं हम, निर्माण कर रहे हैं। तो इस कारण डार्जन जो अभिक्रिया है इसके द्वारा हम शुद्ध RX का निर्माण कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को और पेपर के अंदर एक दो बार ये भी क्वेश्चन किया गया कि डार्जन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जितनी भी नेम रिएक्शन है, नाम से आने वाली रिएक्शन, वो ऑलवेज इम्पोर्टेंट, हमेशा क्या होती हैं, हमेशा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो बहुत से लोग जो कमजोर लोग होते हैं वो इस अभिक्रिया को याद नहीं कर पाते हैं, तो हम थोड़ी सी एक ट्रिक के साथ इसे याद करेंगे जिसको कहते हैं बीपी ट्रिक। बीपी ट्रिक क्या है, जैसे डार्जन का हिसाब है, अब ये डार्जन है, इन्हें एल्कोहल का बहुत शौक था, तो एल्कोहल डार्जन एल्कोहल एल्कोहल तथा डार्जन तो इन्हें एल्कोहल का बहुत ज्यादा शौक था, तो डार्जन एल्कोहल और थम्जा, थम्जा पेप्सी होती है थम्जा वो वाली, एल्कोहल तथा थम्जा पीकर पीकर राधे कृष्ण करने लगी, राधे कृष्ण करने लगी करने लगी। जरा देखें डार्जन, इससे याद करोगे आप डार्जन एल्कोहल, एल्कोहल ये एल्कोहल एल्कोहल, थम्जब, थम्जब मतलब थायोनिल क्लोराइड, ये हो जाएगा थम्जब, थम्जब थायोनिल क्लोराइड, पीकर, पीकर का मतलब ये हो जाएगा प्रीडिंग, पीकर पीकर राधा कृष्ण, आर एक्स आर एस हो जाएगा राधा और सी एल से हो जाएगा कृष्ण करेंगे लगे। तो डार्जन भाई साहब एल्कोहल और थम्जा पीकर राधा कृष्ण करने लगे, इस प्रकार हमें यह भी क्रिया बहुत ही इजीली क्या हो जाती है, याद हो जाती है। आइए अब हम तीसरी अभिक्रिया को देखते हैं, इसकी RX की Na से अभिक्रिया करनी है जिसे हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं, और ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है, बुर्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या बुर्ज अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम किस प्रकार से हम एल्केन का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेम रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हमारे पास आर एक्स, आर का मतलब मैंने बताया था आपको, या तो सी एस थ्री लिखते हैं या आर को सी टू एच फाइव लिखते हैं, एक्स का मतलब भी बताया था, एक्स का मतलब क्या हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो दो आर एक्स लेते हैं हम और प्लस दो सोडियम लेते हैं, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की क्या होती है हमारी उपस्थिति होती है, शुष्क ईथर होता है, शुष्क ईथर आर ओ आर कैसे हैं इसे, तो इससे ये अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारी जो बनती है उच्च एल्किन क्या होती है हमें प्राप्त होती है, और प्लस टू एन ए एक्स बन जाता है, टू एन ए एक्स, ये जो होती है उच्च एल्किन होती है, उच्च एल्किन, आर का मतलब सी एस थ्री, सी एस थ्री इसे बोलते हैं सी टू, एस सिक्स इसे बोल देते हैं एथेन, शुष्क एल्किन, ये सोडियम होता है, ये आर एक्स होता है, हेलो एल्किन होता है, इसे क्या बोलते हैं, हेलो एल्किन, हेलो एल्किन। देखिए ये तो वैसी कंसेप्ट है इसका, अगर हम आर की जगह और कुछ भी रख सकते हैं, आर की जगह सी एस थ्री रखकर भी देख सकते हैं, एक्स की जगह सी एल भी रख सकते हैं, आर की जगह क्या हो जाएगा फिर सी एस थ्री और एक्स की जगह क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की जगह सी एल हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसके लिए भी हम हमारी एक बीपी ट्रिक, ये आप भी बना सकते हो, क्योंकि ये कमजोर बच्चों के लिए है जिन्हें रिएक्शन याद नहीं होती है, उन लोगों के लिए है, जैसे हम के दो दो रिक्शा वाले, रिक्शा वाले सोडा पीकर, सोडा
स्पीकर इधर राधे राधे कर रहे, राधे राधे कर रहे थे। तो दो रिक्शा, दो रिक्शा मतलब दो आर एक्स, दो आर एक्स दो रिक्शा वाले सोडा, सोडा मतलब एन ए सोडा, सोडा पीकर इधर, इधर मतलब ईथर, इधर मतलब ईथर सोडा एन ए और आर एक्स मतलब रिक्शा पीकर राधे राधे कर रहे थे, आर राधे राधे कर रहे थे। तो ये जो रिएक्शन है आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसे ये रिएक्शन से आप भूलोगे नहीं इस रिएक्शन के लिए, कि दो आर एक्स लेते हैं, टू एन ए से अभिक्रिया कराते हैं, ईथर की शुष्क ईथर की क्या होती है, उपस्थिति होती है जिसे आर ओ आर बोलते हैं, और हमारा उच्च एल्केन प्राप्त होता है और एन ए एक्स का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर इसके वैसे देखें आर की जगह हम सी एस थ्री लगा सकते हैं, एक्स की जगह सी एल लगा सकते हैं, आर की जगह सी एस थ्री एक्स की जगह सी एल प्लस टू एन ए, टू एन ए और ईथर की क्या दिखाते हैं, उपस्थिति दिखाते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, ब्रिक होता है, यहाँ से भी बॉन्ड क्या होता है, ब्रिक होता है। तो ये दोनों सपोज करो सी एल की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये बॉन्ड को खींच लेता है, और ये टू एन ए क्योंकि एन ए के पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है, क्योंकि एन ए जो आता है 11 नंबर पे आता है, जिस प्रकार होता है 281 भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज, अब दो है ये तो कितने हो जाएंगे, दो चार्ज, दो सी एल, सी एल पे क्या होता है निगेटिव वन चार्ज होता है, तो ये दो सी एल जो है दो एन ए से क्या करते हैं अभिक्रिया करते हैं और टू एन ए सी एल बना देते हैं, और ये सी एस थ्री और सी एस थ्री ये आपस में मिल जाते हैं, सी एस थ्री और सी एस थ्री ये उच्च एल्केन का निर्माण करते हैं, सी टू एस सिक्स इसे बोलते हैं एथेन, ये होती है एथेन। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, दो रिक्शा वाले सोडा पीकर इधर इधर राधे राधे कर रहे, राधे राधे आर आर कर रहे थे दूसरे। अब इनके बाद एक दूसरे जो भाई साहब आए थे फ्रैंकलैंड भाई साहब, इनने कहा था कि मैं यहाँ पर एन ए नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे जिंक लूंगा। तो केवल केवल फ्रैंकलैंड भाई साहब ने यहाँ पर क्या लिया, जिंक लिया। फ्रैंकलैंड भाई साहब ने ये कहा था कि मैं सोडा नहीं पीऊंगा, मुझे जंजीरा पीना है, जंजीरा मतलब जिंक, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जिंक लगा दें तो वो जो अभिक्रिया है वो फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया बन जाती है, और एक दो नंबर में फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। जैसे आर एक्स, आर एक्स एन ए की जगह क्या लगाते हैं हम जेड एन, और वही ईथर की उपस्थिति होती है, तो आर और आर और प्लस क्या बन जाता है जेड एन सी एल टू या एक्स टू लगा दो, जब एक्स लगाया है तो एक्स टू, ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो होती है आपकी फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया। अगर फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया पर टिप्पणी आती है, तो अगर आपको ये रिएक्शन पता है तो आप तो इसकी थ्योरी तो खुद ही लिख सकते हो, किस प्रकार से कि दो आर एक्स एन ए से अभिक्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और उच्च एल्केन का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया लिखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा कि दो हेलो एल्केन जेड एन के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में और उच्च एल्केन का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रहे अगर बुर्ज अभिक्रिया है तो सोडियम लोगे आप, सोडा पिलाओगे दो रिक्शा वालों को, अगर जेड एन के साथ लोगे तो दो रिक्शा वालों को आप जंजीरा पिलाना पड़ेगा, तो ये फ्रैंकलैंड की अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने तीन रिएक्शन को कंप्लीट किया था, आगे भी ये केमिस्ट्री की श्रृंखला इसी प्रकार से चलती रहेगी, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि जो बच्चे इंटर में केमिस्ट्री के हैं उनके लिए फायदा हो सके। थैंक यू।